ये तो था एक टॉपिक, ठीक है, एक टॉपिक था। अब जो दूसरा टॉपिक है इसमें थोड़ा और आगे चलते हैं, क्योंकि पॉइंट चार्जेस का ई तो आपने कर ही लिया, रादर हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे और आप होमवर्क भी ट्राई करोगे इसका, ई का। उस होमवर्क के अंदर भी कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मैं प्रैक्टिस भी कर पाऊंगा, एक लेक्चर लगेगा अभी न्यूमेरिकल्स के ऊपर। ये तो जस्ट मेरे अपने एग्जाम्पल्स हैं, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल थोड़ा ही, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल की शीट तो मैंने आपको दी है, वो नेक्स्ट टाइम तक कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज हमारे पास एक और भी टॉपिक है, फोर्स की एक और शीट पेंडिंग है हमारी। मैंने आज फोर्स से इसलिए शुरू नहीं किया, फिर वही एक ही टॉपिक चले जा रहे हैं तो थोड़ा बोर सा लग रहा था कि यार फोर्स फोर्स करी जा रहे हैं, तो मैंने लेक्चर को उल्टा कर दिया। पहले फोर्स खत्म करना था, फिर फील्ड स्टार्ट होना था, अब मैंने फील्ड स्टार्ट कर दिया, जाते हुए मैं वो चार क्वेश्चन हैं फोर्स के, जाते वो बता दूंगा कैसे करने हैं। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। गारंटेड एनसीईआरटी के अंदर एक क्वेश्चन इसमें से आने ही है, जब से एनसीईआरटी पेपर कंडक्ट करवा रहा है इसमें से जरूर क्वेश्चन दे रहा है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्पिटिशन में तो खैर क्या ही आएगा, न्यूमेरिकल आता है, ये थ्योरी की प्रॉब्लम है, तो थ्योरी की प्रॉब्लम आती है इसमें। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है क्या? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक इमेजिनरी लाइंस हैं, लाइंस हैं ये लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस का मतलब लाइंस हैं, ये लाइनें हैं। तो ये लाइंस क्या हैं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे मान लो ये दीवार पॉजिटिवली चार्ज है और ये दीवार नेगेटिवली चार्ज है, और इस पूरे रूम में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कैसे? आप किसी भी एक पॉइंट चार्ज को इसके बीच में रख दें, वो चार्ज यहां कभी टिकेगा ही नहीं, या तो इस दीवार पे चिपक जाएगा या उधर चला जाएगा, डिपेंडिंग उसको कहां जाना है, किस प्लेट के पास जाना है, ऐसे होगा। तो मानना पड़ेगा इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको कि दिख तो कुछ रहा नहीं, खाली हवा ही तो दिख रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? तो मैं फिर आज के बाद क्या बोलूंगा, मैं आज के बाद यही बोलूंगा कि भाई अगर ये दीवार है आपके सामने, ये वॉल है, या दो प्लेट्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो अगर मैं बोलूंगा देखो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपको कैसे दिख नहीं रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो फिर मैं कहूंगा ठीक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लाइन ड्रॉ कर दूंगा इनके बीच में, जो क्या रिप्रेजेंट करती है इनमें, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जहां जहां ये लाइंस बनेंगी वहां पर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। आप हो गए अच्छा ये तो बड़ा आसान हो गया, मैंने कहा कैसे? कहता कुछ भी नहीं, लाइनें ड्रॉ करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या शेड ही तो करना है लाइंस के साथ? नहीं, इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जिस बंदे ने बनाई उसने इसको, चाहे वो इमेजिनरी है, ये असली में थोड़ी ना होती है, अगर रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है दिख थोड़ा रहा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कॉपी पे बनाने के लिए है, कि आपको दिखाने के लिए कि आपको ये पता लगे कल को ये प्लेट्स हैं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब दिख क्या है, खाली तो पेज है, इसमें क्या दिख रहा है, कुछ भी नहीं। तो आपको समझाने के लिए कि देखो यहां पर अगर ऐसी लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लियर है यहां तक? अब ऐसा नहीं है, जिस बंदे ने ये रूल कहा कि हम लाइन से ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये लाइंस इमेजिनरी है पहले, तो ये एक्चुअल में कुछ नहीं होती, दीज आर इमेजिनरी लाइंस अगेन। ये लाइंस ड्रॉ करने के उस बंदे ने कुछ रूल्स बनाए, चाहे उसने इमेजिनेशन से बनाई लाइंस, पर इमेजिनेशन के भी रूल्स हैं भाई, तुमने अपने सपने नहीं लेने कि मैं ऐसे कर दूंगा ऐसे कर दूंगा, ना, वो कहते हैं मेरे हिसाब से चलना है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के कुछ रूल्स हैं ड्रॉ करने के, पूरी फिजिक्स में वही रूल्स फॉलो करने हैं जब आपने ड्रॉ करने हैं, अपने मन मर्जी से ड्रॉ नहीं करने हैं। तो क्या रूल्स हैं वो ये टॉपिक आपको बताते हैं। तो पहली चीज इसके अंदर कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या फील्ड लाइंस एक ही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एक ही बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफाइन अगर किया जाए इसे, इसको अगर डिफाइन किया जाए कि क्या है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो डिफाइन ऐसे किया जाता है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में भी डिफाइंड एज ही पाथ, लाइंस रास्ता शो करती हैं, रास्ता, तो रास्ते को क्या बोलते हैं? पाथ। तो दीज लाइंस आर पाथ, स्ट्रेट और कर्व्ड, ये बिल्कुल स्ट्रेट भी हो सकती हैं लाइंस और टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती हैं, ठीक है, कैसी भी हो सकती हैं, सच दैट टेंजेंट टू इट। तो अगर मैं इन लाइंस के ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ करूंगा एट एनी पॉइंट, इस लाइन के किसी भी पॉइंट के ऊपर जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन वो टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं, अब कुछ नहीं समझ में आया,
क्योंकि डेफिनेशन से किसी को कुछ समझ में आया ही नहीं आज तक। ठीक, तो मैं इस डेफिनेशन को तो मैं फॉर्मेलिटी से पढ़ रहा था, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मैं जरा एक बार अपने एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर डेफिनेशन पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत आ भी गया होगा, हाँ टेंजेंट उन्जेंट ड्रॉ कर लेंगे, ई की याद कर लिया आपने। मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली वो कहने की कोशिश कर क्या रहा है। ये देखो, सपोज करो आपके पास प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट्स ले लेते हैं। ठीक है, ये लो, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स ले ली और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को ड्रॉ करना है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर ड्रॉ करनी है तो ये मैंने ड्रॉ की इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, राइट, ये पहली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ये लो, ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये इमेजिनरी है। अब पॉइंट क्या है इसमें, आप कहोगे ये डायग्राम तो पहले ही बना हुआ था, इसको नया बना के क्या हुआ, पता तो है ही है। पॉइंट ये है कि इस फील्ड में ये जो स्पेस है इसमें क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला था क्या, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो अगर E का फॉर्मूला F डिवाइडेड बाय Q नॉट था तो F का फॉर्मूला क्या लिखा जा सकता है, Q नॉट इंटू E, Q नॉट इंटू E। ठीक है, यहां तक क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब ये फॉर्मूला Q नॉट इंटू E लगाना है तो इसका मतलब क्या है, आज की देखो अभी तक हम जब फोर्स निकालते थे किसी चार्ज पे तो कूलम लॉ को याद करते थे, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब वो टाइम गया, खत्म हो गया चैप्टर। अब आपको फोर्स पूछेगा, वो कहेगा देखो यहां पर मैंने दो दीवारें लगा दी, कंडक्टिंग वॉल्स हैं, प्लस माइनस चार्ज दे दिया, यहाँ पर फील्ड प्रेजेंट है। आप बोलोगे सर कितना फील्ड प्रेजेंट है, तो कहेगा ठीक है इसमें जो फील्ड प्रेजेंट है वो 10 न्यूटन पर कूलम प्रेजेंट है। आप बोलोगे कि ये तो फील्ड की वैल्यू तो चेंज होती है ना हर पॉइंट पे, तो वो कहेगा नहीं यहां पर यूनिफॉर्म फील्ड प्रेजेंट है। यूनिफॉर्म समझते हो, जहां मर्जी ई कंसिडर कर लो वैल्यू क्या रहेगी, 10। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस स्पेस में फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हर पॉइंट पर वैल्यू विल रिमेन सेम। तो आज के बाद ये वर्ड बड़ा कॉमन है न्यूमेरिकल्स में, गिवन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, दे दिया उसने 10। किसने लगाया ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दो दीवारों ने लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव ने कुछ लगाया होगा, वो कैसे लगाया वो हमने निकालना नहीं है, मतलब वो हमें पॉइंट चार्ज का तो निकालना आता है, बड़ी बड़ी प्लेट्स का तो हमें आता भी नहीं निकालना। तो वो आपको क्वेश्चन में खुद देगा कि इन दीवारों की वजह से इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और हर जगह पर 10 है। फिर वो क्वेश्चन कहेगा कि मान लो आपके पास कोई चार्ज है, ठीक है, मान लो आपके पास कोई चार्ज है जो कि आपने उस चार्ज को यहां पे रखा, यहां पे रखा, कितना आपने चार्ज लिया, 5 कूलम का। तो वो ये पूछेगा 5 कूलम पे फोर्स लगेगी, क्यों लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है, तो बोलो कितनी फोर्स लगेगी। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर यहां पर ई की जो वैल्यू है वो मुझे कितनी गिवन है, 10 न्यूटन पर कूलम गिवन है, गिवन है। इस पॉइंट पर ई का फॉर्मूला होता क्या है, फोर्स बाय क्यू नॉट। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू नॉट इंटू ई। तो क्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, 5, ई की वैल्यू कितनी है, 10। तो आंसर क्या आ गया, 50 न्यूटन। देखो कूलम लॉ चाहिए ही नहीं, अगर मेरे को ई पता है और ई में पड़ा हुआ चार्ज पता है, उस चार्ज पे क्या फोर्स लगी, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, क्यू इंटू ई करके फोर्स आ जाएगी। तो आज के बाद इस चैप्टर में एक नया तरीका है फोर्स निकालने का, कूलम लॉ तो आसानी है, कूलम लॉ में फिर भी दिमाग लगाना पड़ता है, क्यू वन क्यू टू इधर लगी उधर लगी, इसमें क्या लगा, क्यू नॉट है ई है, मल्टीप्लाई करो फोर्स आ गई। तो पहला स्टेप क्लियर है, फोर्स निकालने का एक और तरीका हमारे पास पता लग गया, बहुत यूज होता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई फॉर्मूला, बड़ा फेमस फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू क्यू ई, पहला फॉर्मूला क्लियर है। दूसरा, अब अगर मैं बात करूं
इस चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी, छोड़ देते हैं इसे, मूव करने दो, कहां जाएगा, राइट की लेफ्ट, राइट जाएगा, क्यों, चार्ज की नेचर क्या है, पॉजिटिव की नेगेटिव, विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स, ठीक है, मानते हो ये बात, नेगेटिव की तरफ जाएगा, या ऐसे बोल लो प्लस ने प्लस को रिपेल किया, माइनस ने अट्रैक्ट किया, तो अल्टीमेटली इस तरफ जाएगा, सही है यहां तक, कोई डाउट इसमें? तो अगर मैं चार्ज को यहां रख दूं, अगर मैं इस चार्ज को यहां पे रख दूं, तो डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, इस तरफ, क्या ही एग्री करते हो, क्या ये पॉइंट क्लियर है, इसी आपने बोला ना पॉजिटिव चार्ज तो यहीं लगेगा, ये देखो सही है। अच्छा अगर मैं यहां रख दूं तो इस तरफ, यहां रख दूं इस तरफ, यहां रख दूं इस तरफ, सही है, कोई डाउट इसमें, ओके, सिर्फ इस डायग्राम को देखना, ये क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इमेजिनरी, ये रेड कलर की लाइन क्या है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इमेजिनरी जो मैंने ड्रॉ की थी, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, और पॉइंट पे मैंने क्या ड्रॉ किया, एक टेंजेंट, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स रास्ता है, इस रास्ते पे अगर मैंने कोई पॉइंट लिया, उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो वो टेंजेंट मुझे किसकी डायरेक्शन दे रहा है, फोर्स की, जो किस पे लगेगी, अगर मैंने कोई टेस्ट चार्ज रख दिया उस पे फोर्स लगेगी, अच्छा जो डायरेक्शन एफ एफ का होता है वही डायरेक्शन ई का भी तो होता है। अब दोबारा चले डेफिनेशन पे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पाथ है, रास्ता है, सच दैट अगर कोई पॉइंट लिया जाए इसके ऊपर और टेंजेंट ड्रॉ की जाए इसके ऊपर, तो इट विल गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। तो डेफिनेशन समझ में आई कैसे बनी, कि आज के बाद अगर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गिवन है और आपने इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा ही देगा उस पॉइंट के ऊपर। कोई डाउट इसमें, डेफिनेशन समझ में आ रही है कैसे बन रही है, मैंने न्यूमेरिकली भी समझाया कि कैसे डायरेक्शन बनेगी इसमें। तो अब अगर मैं डेफिनेशन पे जाऊं, इट इज डिफाइंड एज ई पाथ, मैंने अपना एग्जांपल स्ट्रेट लाइन का लिया, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स स्ट्रेट ली, पर ये जरूरी नहीं स्ट्रेट है, ये कर्व भी हो सकती है, जहां पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां स्ट्रेट होती है, जहां नॉन यूनिफॉर्म है, चेंज हो रही है डायरेक्शन और वैल्यूज, वहां पर ये कर्व हो जाती है। तो सच दैट टेंजेंट टू इट एट एनी पॉइंट, इस लाइन के ऊपर अगर पॉइंट लगा के टेंजेंट ड्रॉ करें, गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, तो उस पॉइंट पर वो क्या देगा, ई की डायरेक्शन देगा। तो ये देखो, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, आपने एक चार्ज लिया, ये रहा क्यू चार्ज, क्यू चार्ज पे आप इस क्यू चार्ज रखा यहां पे, टेंजेंट ड्रॉ किया इसके ऊपर, इट विल गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अगर आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी है, कर्व है, और आप यहां टेंजेंट लेते हैं इसके ऊपर, तो टेंजेंट तो पर टेंजेंट है ना, कर्व के ऊपर ऐसे बनेगा, तो दिस विल गिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट। अगर टेंजेंट यहां लेंगे तो डायरेक्शन विल गिव इस पॉइंट पर, टेंजेंट यहां लेंगे तो इस पॉइंट पर। तो जहां पर भी कोई भी लाइन सीधी हो, टेढ़ी हो, वो पेपर में गिवन होती है सीधी टेढ़ी, आपने ड्रॉ नहीं करनी होती, आप ये ना सोचेंगे मेरे को ड्रॉ करना है, आपको नहीं ड्रॉ करना, आपको लाइन हमेशा गिवन होती है। तो जहां पर भी लाइन गिवन होगी उसके ऊपर कोई भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो इट विल गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, ई वेक्टर की डायरेक्शन पता लग जाएगी। कोई डाउट इसमें? तो पहला रूल क्लियर है ई का, ठीक। दूसरा, इस डायग्राम में ई कॉन्स्टेंट है, और मैंने आपको एग्जाम्पल लेके भी दिखाया, फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज क्यू निकाल लें, इस पे कितनी फोर्स लगी, तो आंसर क्या होगा, E इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, जिस डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में E भी होगा, मैंने न्यूमेरिकली करके दिखाया आपको, ठीक है यहां तक। अब जिसने E बनाया उसने कुछ रूल्स बनाए E के, जिसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज हैं क्या, इसको समझते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें से आएगा पेपर। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी, बनाने वाला ये कहता है
अपने मन से नहीं है कि टेबल से निकाल के चेयर में एंटर करवा दी, बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे थोड़ी ना मैं ये लो जी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे तो रूल है। कहाँ से शुरू होगी? बनाने वाला पहला रूल कहता है ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा पॉजिटिव चार्ज से ही शुरू होगी, और कहाँ एंड होगी? नेगेटिव चार्ज पे एंड होगी। तो पहली प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स एट नेगेटिव चार्ज। पहला रूल क्लियर है, नेगेटिव से पॉजिटिव एरो नहीं जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कम आउट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स इनटू दी नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है देख रहे हो, नेगेटिव पे एंड हो रही है देख रहे हो। आप कहोगे सर अगर मान लो मेरे पास चार्ज है ही पॉजिटिव, मेरे पास नेगेटिव चार्ज तो मान लो है ही नहीं, मेरे पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है बस, तो पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट करें, करो स्टार्ट। तो लाइंस कहां से स्टार्ट हो रही हैं? पॉजिटिव से। तो वो स्टूडेंट कहता है यार एंड कहां करूं, क्योंकि आपने बोला था कि एंड कहां पर होगी? एट नेगेटिव चार्ज। पर मेरे को तो इस बोर्ड पे नेगेटिव दिख ही नहीं रहा, मैं एंड कहां करूं? तो तू ये मान ले भी नेगेटिव चार्ज दुनिया में कहीं तो होगा। हाँ कहता कहीं तो होगा, कहाँ होगा? वो तो कहता इस स्पेस से तो बहुत दूर है, बहुत दूर को क्या बोलते हैं फिजिक्स में? इन्फिनिटी। तो आपने लिख देना भी इन्फिनिटी होता होगा, जहां होता होगा बस जाती रहेंगी इनफाइनाइट तक लाइंस। अब मेरे पास नहीं है तो मैं भी क्या करूं, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चली जाएगी। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि अगर सिंगल चार्ज गिवन होगा तो लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है? ऐसी अगर सिर्फ नेगेटिव चार्ज होगा तो लाइंस एंटर करवा दो बस इसमें से। आपको सर आ कहां से रही है? पॉजिटिव तो है, अरे दुनिया में कहीं तो पॉजिटिव होगा, वहां से चल के यहां पर आ रही है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है। हाँ अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्जेस गिवन होंगे फिर कोई टेंशन नहीं, पॉजिटिव से शुरू करो नेगेटिव पे एंड कर दो। फिर तो समझ में आ रहा है ना कि पॉजिटिव से शुरू होके कहां पर आ रही है? वो नेगेटिव पे एंड करेंगे। क्लियर है यहां तक? तो पहली प्रॉपर्टी क्लियर है पॉजिटिव टू नेगेटिव वाली। नेक्स्ट देखो, पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है नेगेटिव पे आ रही है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव में स्टार्ट हो रही है एंड इंफिनिटी, स्टार्ट हो रही है एंड इंफिनिटी। क्लियर है यहां तक? जैसे ये रहा पॉजिटिव से स्टार्ट नेगेटिव पे एंड, पॉजिटिव से स्टार्ट पॉजिटिव से स्टार्ट, राइट? आप मुझे एक चीज बताओ, इसमें अगर सपोज करो आपके पास ये पॉइंट है, चलो मान लेते हैं चार दोनों में बराबर है, बराबर है पॉजिटिव है दोनों, और यहां फील्ड ही फील्ड है। मैं यहां बना देता हूं, कोई बात नहीं। देखो देखो मान लो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू, एक पॉजिटिव चार्ज है क्यू, ठीक? ये तो मानते हो ना कि लाइंस ही लाइंस हैं जो यहां से बाहर निकलेंगी, जितनी मर्जी लाइंस लो इनफाइनाइट तक, ठीक है? मेरा एक क्वेश्चन है इसमें कि सपोज इनके मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट का मतलब दोनों में एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, ई निकालो, ई निकालो, जहां ई निकालना है वहां चार्ज प्लस वन। कौन लगाएगा ई? ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। तो ये प्लस चार्ज, ये जो प्लस चार्ज है ये इस प्लस वन को क्या करेगा? रिपेल। और ये प्लस चार्ज भी इसे क्या करेगा? रिपेल। जितनी यहां पर ये क्यू चार्ज प्लस वन पे ई क्या लगाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² और ये क्यू चार्ज भी क्या लगाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r² दोनों वेक्टर ऑपोजिट हैं तो नेट ई क्या आ गया? जीरो। अरे कमाल हो गया, दो दो चार्जेस पड़े हैं आमने सामने, दो दो चार्जेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं हर जगह। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या आ रहा है? जीरो, क्योंकि दोनों फील्ड आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसल। समझ में आ रहा है यहां तक पॉइंट? तो जबकि वही बात होगी कि फील्ड तो पूरे रूम में ही है, पर फिर भी इस पूरे रूम में इतना फील्ड होने के बावजूद भी एक पॉइंट ऐसा ढूंढ दिया जहां पर नेट फील्ड क्या आ गया? जीरो। उस पॉइंट का नाम होगा न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पर नेट ई क्या हो जाता है? जीरो। तो आप कहोगे सर इसका मतलब ये माने कि आज के बाद अगर ये क्यू चार्ज है और ये फील्ड है तो अगर मैं यहां ई पूछूं जो कि जीरो आता है, क्या ये न्यूट्रल पॉइंट है? ना, ये न्यूट्रल पॉइंट नहीं है, यहां तो नेट ई है ही जीरो, यहां तो फील्ड है ही नहीं।
न्यूट्रल पॉइंट इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर फील्ड तो प्रेजेंट होगा पर फिर भी ई जीरो हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं दो वेक्टर आपस में क्या कर गए, कैंसिल। उस पॉइंट को जो फील्ड में एग्जिस्ट करता है पर फिर भी वहां पर फील्ड क्या आता है, जीरो, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? आदित्य क्लियर है? नींद से आ रही है थोड़ी सी यार। ठीक है, तो न्यूट्रल पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो ये टर्म अगर यूज हो तो पता होना चाहिए कि कैसे यूज करनी है। तो ये हो गया टेंजेंट टू फील्ड लाइन। किसी भी टेंजेंट लाइन के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, इट विल गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर एट दैट पॉइंट। देखो ना, टेंजेंट ई वेक्टर, टेंजेंट ई वेक्टर। तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो ये ई वेक्टर यहां आएगा, यहां टेंजेंट ड्रॉ किया ई वेक्टर यहां आएगा। फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट है ईच अदर, दो लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती आपस में। ऐसा क्यों? वो कहता है कि इस केस में दो लाइंस इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती क्योंकि मान लेते हैं एक मिनट के लिए कि वो चलो इंटरसेक्ट करती हैं, चलो ये मानते हैं कि लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, ये देखो ये एक लाइन यहां जा रही है और दूसरी लाइन यहां जा रही है, कर गई इंटरसेक्ट मान लो। अब अगर ये इंटरसेक्ट कर गई ना तो एक पॉइंट बताओ कि ये कॉमन पॉइंट है। इस कॉमन पॉइंट के ऊपर ये पॉइंट इसका भी है, ये पॉइंट इसका भी है। अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो इस डायरेक्शन आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इस तरफ, और अगर मैं इस लाइन को लेके टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो यहां पर डायरेक्शन आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। और ये कैसे हो सकता है, एक पॉइंट पर दो डायरेक्शंस हो ही नहीं सकती। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर, तो या तो डायरेक्शन इस तरफ होगी या डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो एक पॉइंट पे खड़े होकर ये नहीं हो सकता ना कि उधर उधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। वेक्टर की तो एक ही डायरेक्शन होगी, दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। इसलिए ये कभी भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, नहीं तो कॉमन पॉइंट पर दो डायरेक्शन आ सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि गलत है। क्लियर है यहां तक? तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जब ये स्टार्ट होती है ना, जैसे ये पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, जब ये स्टार्ट होती है, जैसे मान लो पॉजिटिव से स्टार्ट हुई, तो उस केस में ये स्टार्टिंग पॉइंट पे 90 डिग्री पे ही स्टार्ट होंगी। ये 90 डिग्री पे स्टार्ट होंगी, ऐसे 90 पे स्टार्ट होंगी। और एंड जब ये होती है तो एंड भी कहां पर होती है, 90 पे ही एंड होती है, 90 पे होती है। ऐसा नहीं होगा कि ये पॉजिटिव बॉडी है, ये नेगेटिव बॉडी है, ये लो कुछ भी ये लो, किसी भी एंगल पे एंटर कर रही है ना, ये नहीं होएगा। हवा में जाएगी, एंटर 90 पे करेगी, स्टार्ट भी 90 पे होगी। क्लियर है यहां तक? तो इसका नेक्स्ट रूल है ये, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की शीट आएगी जिसमें ना कुछ ऐसे उल्टे से डायग्राम होंगे जो 90 पे स्टार्ट और एंड नहीं होगी, तो पूछेगा क्या ये राइट है कि रॉन्ग है, तो रॉन्ग है, 90 डिग्री हमेशा राइट है। क्लियर है यहां तक? ये प्रॉपर्टी भी क्लियर है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, नेगेटिव पे खत्म होती हैं। तो क्लोज लूप का मतलब सर्कल बनाना। ये सर्कल कैसे बनाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव एक पॉइंट पर रखोगे तो वैसे ही कैंसिलेशन हो जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव एक पॉइंट पर रख दो, कैंसिल हो गया, तो लाइन कैसे बनेगी? तो इसीलिए ये पॉजिटिव अलग होगा, नेगेटिव अलग होगा। कंप्लीट सर्कुलर लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। सर्कुलर लाइंस कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि इनको कहां से स्टार्ट होना है, पॉजिटिव से। कहां एंड होने, नेगेटिव पे। सर्कल कब बनेगा, जब पॉजिटिव से स्टार्ट होगे उसी चार्ज पे एंड होगी। ऐसा तो होता ही नहीं है, नेगेटिव चार्ज कैसे एग्जिस्ट करेगा? तो इसे क्लोज लूप कभी भी नहीं बनाती। इन चार्ज फ्री रीजन, मान लो ये चार्ज फ्री रीजन है रूम, यहां कोई चार्जेस नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कॉन्टिन्यूस कर्व विदाउट एनी ब्रेक्स। मतलब कि अगर आपके पास कोई, सपोज करो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, जैसे ये पॉजिटिव है प्लेट, पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पे 90 डिग्री पे एंड होंगी। ऐसा नहीं होगा ये ब्रेक लगा गई फिर ये स्टार्ट हो गई, ना, ये ब्रेक नहीं लगेगी।
पॉजिटिव से स्टार्ट होगी, नेगेटिव पर एंड होगी, कॉन्टिन्यूस बनेगी, ब्रेक नहीं लगेगी इसमें, तो इसलिए ये क्या मानी जाती है, कॉन्टिन्यूस कर्व्स। ये भी क्लियर है यहां तक कि कॉन्टिन्यूस कर्व्स का मतलब क्या है इसमें, एंड नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। अगर कोई स्ट्रॉन्ग चार्ज है, चार्ज बड़ा है, उसमें से ज्यादा लाइंस निकलेंगी। अगर चार्ज वीक है, छोटा सा चार्ज है, तो उसमें कम लाइंस निकलेंगी या एंटर करेंगी। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि आपको मैंने कहा कि सपोज चार्ज है कितना, 10 कूलम का चार्ज है एक बॉडी पे, 2 कूलम का चार्ज है, तो 10 कूलम में से आप नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा निकालेंगे, 2 कूलम से कम निकालेंगे। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होती है ना, इसका मतलब फील्ड उतना ही स्ट्रांग है, और स्ट्रांग फील्ड के लिए स्ट्रांग चार्ज चाहिए। चार्ज वीक है तो लाइनें भी कम निकलेंगी, चार्ज स्ट्रांग है तो लाइंस भी ज्यादा निकलेंगी। तो अगर ये शो करती है कि कौन सा चार्ज स्ट्रांग है, कौन सा वीक है, या कहां फील्ड स्ट्रांग है, कहां फील्ड वीक है, तो ये प्रॉपर्टी भी क्लियर है। नींद आ गया भाई? ओ भाई हेलो, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, थ्योरी ज्यादा होगी, लेकिन न्यूमेरिकल देते हैं, 2 मिनट रुक। अब प्रॉपर्टी तो खत्म करनी है ना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कितनी नींद आ रही है, तो ज्यादा नींद आ रही है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करवाने चाहिए। ठीक, तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक। एंड अगर लाइंस ऐसी हैं, अगर स्पेसिंग बराबर है लाइंस में, स्पेसिंग बराबर है, फील्ड यूनिफॉर्म है, इसका मतलब यानी कि एक्स पॉइंट पर जो फील्ड है, वाई पॉइंट पर जो फील्ड है, उनकी वैल्यू एग्जैक्टली सेम है। पर अगर स्पेसिंग कैसी है, अगर स्पेसिंग ऐसी है, ये देखो यहां पर, यहां पर स्पेसिंग टाइट है, पास है, यहां पर स्पेसिंग दूर है, तो यहां फील्ड वीक होगा, यहां पर फील्ड स्ट्रांग होगा। तो जितनी टाइट होंगी लाइंस, फील्ड स्ट्रांग है, जितनी दूर दूर होंगी, फील्ड वीक है। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, और यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब लाइंस के बीच में स्पेसिंग हमेशा क्या रहेगी, सेम। तो यानी कि ई की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, अगर 10 है तो हर जगह पर 10 ही रहेगी। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं, ये रूल समझ में आ रहे हैं सबको, कोई डाउट इसमें? ना ना, वो क्या करेंगे, वो अभी तो टेंशन वाले। तो एक काम करते हैं, एक शीट दी है मैंने आपको अभी, कौन सा ये वाला, यहां पे स्पेसिंग टाइट है ना, पास है, तो यहां फील्ड स्ट्रांग है, यहां दूर दूर है तो फील्ड वीक है, ये इसका मतलब। एक काम करते हैं, ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 5 लो, 5-7 मिनट लो और कर दो सॉल्व। ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 5 करो सॉल्व।
ओके, जो ऑनलाइन है वो देखें प्लीज इधर। ओ ये नहीं है, ये असाइनमेंट है। देखो इसे, फिगर शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अराउंड थ्री पॉइंट चार्जेस ए बी एंड सी। तो इसके अंदर विच चार्जेस आर पॉजिटिव, तो ये पहला क्वेश्चन है। तो कौन से चार्जेस इसमें पॉजिटिव हैं? ए एंड सी। ओके, ए एंड सी, क्योंकि लाइंस बाहर निकल रही हैं, लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, राइट। विच चार्ज हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड एंड वाई? सी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा निकल रही हैं। इन विच रीजन और रीजन ऑफ द पिक्चर कुड द इलेक्ट्रिक फील्ड बी जीरो? कहां जीरो हो सकता है? सी और ए में, क्योंकि ए क्या है? पॉजिटिव। ए जो है वो क्या है? वो पॉजिटिव। सी भी क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में अगर कोई लाइन खींचे और कोई पॉइंट यहां पर ले जहां पर ई निकालना है, जहां ई निकालना है प्लस वन, तो पॉजिटिव चार्ज जो भी होगा इसे रिपेल करेगा, ये इसे रिपेल करेगा। और अगर इन दोनों वैल्यूज वेक्टर की वैल्यूज बराबर आ जाएं तो नेट आंसर क्या आ सकता है? जीरो। तो इसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, हमें डिस्कस किया था। तो कहने का मतलब कि जब दो चार्जेस सेम नेचर के होते हैं उनके बीच में कहीं पर ई निकालना होता है तो दो वेक्टर आपस में क्या हो सकते हैं? कैंसल। तो इसका आंसर क्या होगा? ए एंड सी हो सकता है, दो पॉजिटिव पॉजिटिव ऑप्शन। ओ सॉरी, ऑप्शन नियर ए नियर सी। अच्छा चलो ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। इसको 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 समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा आपको। कॉन्सेप्ट ये समझना पड़ेगा, देखो कॉन्सेप्ट ये समझना पड़ेगा कि सपोज करो आपके पास ना दो चार्जेस हैं, ठीक। एक चार्ज जो है वो कितना है? 5 कूलम है, दूसरा सिर्फ 2 कूलम है, दोनों पॉजिटिव है। और दूसरा केस है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक चार्ज कितना है? 5 कूलम है और दूसरा 5 कूलम है। तो अगर मैं तो मिड पॉइंट लेता हूं, मिड पॉइंट, तो और ई निकालता हूं, तो ये इसे क्या करेगा? रिपेल। ये इसे क्या करेगा? रिपेल विद सेम वैल्यू, और दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसल। नेट वैल्यू क्या आएगी? जीरो। डाउट इसमें मानते हैं इस चीज को। तो न्यूट्रल पॉइंट कहां एग्जिस्ट करेगा? एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट क्यों? क्योंकि दोनों चार्जेस सेम ई लगा रहे हैं, कैंसल। अगर ये अनइक्वल चार्जेस हैं, अनइक्वल चार्जेस में न्यूट्रल पॉइंट कहां शिफ्ट होगा? देखो ये मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट पे अगर मैं फिर से ई निकालता हूं तो ये इसके ऊपर E लगाएगा, प्लस फाइव प्लस वन को रिपेल करेगा। मान लो इसने E की वैल्यू लगाई 10, 10, कुछ भी लगाई। 2 भी यहां पर E लगाएगा, लेकिन 2 उतना E लगा नहीं पाएगा जितना 5 ने लगाया था, क्योंकि 5 बड़ा चार्ज है तो बड़ा E लगाएगा, ये छोटा लगाएगा, डिस्टेंस तो बराबर है दोनों में। तो नेट आंसर जीरो नहीं आएगा। मेरे को एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है इस क्वेश्चन में, 5 कूलम एंड 2 कूलम, जहां पर नेट ई जीरो आ जाए, तो और ये मिड पॉइंट है, तो बताओ मिड पॉइंट के राइट पे वो पॉइंट मिलेगा कि लेफ्ट में मिलेगा? राइट पे मिलेगा। क्यों? राइट पे इसलिए मिलेगा क्योंकि 5 कूलम ज्यादा ई लगाता है। तो हम एक काम करते हैं, हम डिस्टेंस दूर कर देते हैं। डिस्टेंस दूर करने से अब ये मान लो थोड़ा कम ई की वैल्यू लगा, पहले कितना लगा रहा था मिड पॉइंट पे? 10 लगा रहा था, करते 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 इस पॉइंट पर 10, 9, 7 करते करते 3 लगा रहा है, क्योंकि 5 कूलम से जितना दूर पॉइंट होगा ई की वैल्यू भी उतनी कम होगी। लेकिन 2 कूलम के लिए ये पॉइंट नजदीक हो गया तो ये ज्यादा ई लगाएगा, तो कितना लगा रहा है ये भी मान लो 3 न्यूटन पर कूलम। तो ये वैल्यूज आपस में कैंसिल हो सकती है, जैसे इमेजिन करवा रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब, अगर दो अनइक्वल चार्जेस हैं और मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट पे दो अनइक्वल चार्जेस नेट ई जीरो नहीं कर सकते।
और अगर आप चाहते हो कि नेट इज जीरो करना है तो न्यूट्रल पॉइंट मिड पॉइंट पे बिल्कुल भी नहीं होगा, न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड द वीकर चार्ज। तो ये शॉर्टकट याद रहेगा कि अगर अनइक्वल चार्जेस हैं तो न्यूट्रल पॉइंट कहां शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड द वीकर चार्ज। डन यहां तक, अब क्वेश्चन पे आ जाएं। तो क्वेश्चन के अंदर ये बड़ा चार्ज है ना, ये सी वाला जो पॉइंट है इसके ऊपर चार्ज बड़ा है, इसके ऊपर चार्ज छोटा है, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। तो ऑब्वियसली न्यूट्रल पॉइंट मिड पॉइंट में तो होगा नहीं, एक बड़ा चार्ज एक छोटा चार्ज, तो न्यूट्रल पॉइंट कहां शिफ्ट होगा, टुवर्ड द वीकर चार्ज। वीकर चार्ज क्या है, नियर ए। समझ में आया कैसे, क्लियर है यहां तक? तो ये इसका आंसर है। अब आपको क्या करना है, होमवर्क करना है, ये होमवर्क करके लाओगे। वैसे तो आपने कर भी लिया होगा क्योंकि मेरे को दो तीन क्वेश्चन फोर्स के भी डिस्कस करने हैं। क्या टाइम हुआ अभी एग्जैक्टली, 10 मिनट है ना अभी? हाँ ठीक है।